मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है अलवर वालों की आवाज को? ये भूपेंद्र यादव को जिताकर भेजना है या नहीं भेजना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो भले आदमी, ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, राजस्थान के सह प्रभारी और मेरे मित्र श्री प्रवेश वर्मा जी, महंत बाबा बालकनाथ जी, श्री सुरेश रावत जी, श्री संजय शर्मा जी, डॉक्टर जसवंत यादव जी, श्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, श्री संजय नरुका जी, रोशन सैनी जी, उम्मेद भाया जी, श्री अशोक गुप्ता जी, डॉक्टर करण सिंह यादव जी, और आज अलवर की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले भगवान भर्तृहरि जी को नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा नीलकंठ महादेव और नीलकंठ महादेव में विराजे हुए सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा मोहनदास जी, श्री शीतलदास जी, संतदास जी और महाराज खेतानाथ जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाला है और ये वीर भूमि है। यहां के हर एक घर से वीर माताओं ने अपना बेटा देश की रक्षा करने के लिए भेजा है और यही के सपूतों ने देश को सुरक्षित करने के लिए भेजा है। भाइयों और बहनों, आज मैं इस वीर भूमि के महान योद्धा शिषपाल सिंह जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो वीर भूमि है, इसके जवानों को और वीर माताओं को, वीरांगनाओं को मैं कहने आया हूं, 40-40 साल से कांग्रेस पार्टी ने वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था इंदिरा जी के जमाने से, मगर उसको पूरा नहीं किया था। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 2015 में ही वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर सारे हमारे जवानों के परिवारों का सम्मान करने का काम किया। मित्रों, आज मेरे मित्र और भाजपा के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव जी के प्रचार में मैं आया हूं। भूपेंद्र जी, इन्होंने मेरे साथ संगठन में भी काम किया है और सरकार में भी, मोदी जी की कैबिनेट में हम दोनों हैं। यहां बहुत सारी माताएं घर में एक मटकी लेकर लेने जाते हैं तो बरोबर उस पर
टकोरा लगाकर देखते हैं पक्की है या कच्ची, देखते हैं या नहीं देखते हैं भाई, जरा बोलो तो, देखते हैं या नहीं देखते हैं? तो 150-200 रुपयों की मटकी को टकोरा लगाते हैं, लोकसभा में प्रत्याशी भेजना है टकोरा लगाकर भेजना। भाई और बहनों, ये मटकी को, ये भूपेंद्र जी को, ये प्रत्याशी को टकोरा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, एक क्षेत्र को भूपेंद्र यादव सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे।